सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के न्यू पोएम द कीपिंग क्वाइट की, और इसके पोएट हैं पैब्लो नेरुडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी कह रहे हैं कि हम सभी 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम सभी बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अपने सारे एक्टिविटीज़ को रोक देंगे और कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे अपने ही जगह पे। तो भाई क्वेश्चन आता है कि ये हम लोग को शांत रहने के लिए, ऐसे स्टिल रहने के लिए क्यों कह रहे हैं अपने एक्टिविटीज़ रोक के। तो इसका आंसर हमें आगे चल के पोएम में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अर्थ पे रहते हुए हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करें, यानी कुछ बोले नहीं, बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि लैंग्वेज जो है एक बैरियर क्रिएट करता है एक दूसरे को समझने के लिए। तो और वहीं हम लोग बिना किसी लैंग्वेज में बोले अगर एकदम स्टिल रहते हैं तो वो एक यूनिवर्सल, वो स्टिलनेस जो है वो खुद एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करेगा, जिससे हम सभी एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हम सभी को रीथिंक करने की ज़रूरत है, हम सभी को अपने एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को, जो एक्टिविटीज़ करते टाइम हम इतना मूव करते हैं उसको मूव ना नहीं करते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थोड़े देर के लिए सही पर रुक जाते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी कह रहे हैं कि ज़रा सोचिए ये कितना एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा कि बिना किसी रश के, यानी ना ही लोगों का रश, ना ही गाड़ियों का रश, ना ही किसी भी चीज़ का रश जो आप सोच सकते हैं, उन सभी चीज़ों का कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, यानी कि बिना कोई शोर शराबे के, जो इंजन्स जो शोर शराबे करते हैं, गाड़ियों के इंजन्स जो शोर शराबे करते हैं, वो सब कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई रश नहीं होगा लोगों का, और सब कुछ एकदम शांत शांत रहेगा। तो इस शांति में वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, कुछ हिलडुल नहीं रहे हैं, किसी के पास जा नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल इस शांति में भी हम सभी एक सडन स्ट्रेंजनेस में, स्ट्रेंजनेस यानी कि अजीब, स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब, तो हम सभी एक मतलब एकदम अजीबो गरीब तरह से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, यानी आपस में एक साथ बंध जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि हम सभी उस समय कुछ कर नहीं रहे हैं बल्कि उस समय सोच रहे हैं। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये इस क्वाइटनेस में, इस स्टिलनेस में फिशरमैन भी जो है कोल्ड सी में व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। तो जो मैन, जो आदमी जो होते हैं जो समुद्र के पास नमक यानी सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं, तो गैदर करते करते उनका, इकट्ठा करते करते उनके हाथ में काफ़ी चोट भी आ जाती है, तो उसको वो मतलब जनरली इग्नोर कर देते हैं कि भाई वो रहते हैं हर समय रश में, तो वो भी रुक जाएंगे। मतलब तो वो भी अगर रुक जाते हैं अपने एक्टिविटी से तो वो भी 1 सेकेंड के लिए ही सही, पर ज़रा अपने मतलब इंजर्ड हैंड को, अपने हर्ट हैंड को वो देख सकेंगे। Those who prepare green wars, war with gases, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in shade doing nothing. तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कि वॉर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर चाहे वो आप ग्रीन वॉर्स ले लें, वॉर विद गैसेस, यानी कि आजकल आपने देखा होगा कितने बायो गैसेस, बायो वेपन्स का यूज़ होता है, तो बायो वॉर्स हो गया, वॉर्स विद फायर हो गया, और ग्रीन वॉर्स से मतलब है वैसे वॉर्स जो कि एनवायरमेंट को काफ़ी भयंकर नुकसान पहुँचाते हैं, वो वॉर्स जो कि वॉर्स बिटवीन ह्यूमंस से ज़्यादा वॉर्स बिटवीन इन्वायरमेंट
हो जाएगा, यानी कि आप एनवायरनमेंट के खिलाफ ही मतलब युद्ध छेड़ रहे हैं, यानी कि उस वॉर से ह्यूमंस को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आसपास के जो ग्रीनरी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस टाइप के जो डिस्ट्रक्टिव वॉर्स के लिए, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी इस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी में शांत हो मतलब अपने एक्टिविटीज़ को छोड़ के जो एकदम क्वाइट हो जाएंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, और चूँकि वो उस टाइम अपने एक्टिविटीज़ को रीथिंक कर रहे होंगे, तो रीथिंक करने के बाद वो खुद अपने अपनी इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को रियलाइज़ करेंगे और क्लीन क्लोथ्स पहन के, यानी कि अपने सभी भाई बंधुओं के साथ, इवन दोस्त जिनको वो एनिमी मानते हैं, उन सभी के को अपना भाई बंधु बनाते हुए उन सभी के साथ मिलके चलेंगे, और से सबके साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और एक पीसफुल शेड के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे, यानी एक पीसफुल शेड के अंडर वो सभी आ जाएंगे बिना कोई कोई एक्टिविटी किए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी कह रहे हैं कि मैं जो ये बोल रहा हूँ कि हम सभी को स्टिल हो जाना चाहिए, क्वाइट हो जाना चाहिए, इसको आप सभी टोटल इनएक्टिविटी से कन्फ्यूज नहीं करना है, यानी कि एकदम डेथ लाइक स्टिलनेस नहीं होना चाहिए, कि जैसे हम लोग एक डेड बॉडी को देखते हैं ना, वो कुछ करती तो ऐसे भी है नहीं लेकिन कुछ सोचती भी नहीं है, तो इस टाइप का डेथ लाइक स्टिलनेस नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो माइंड है वो लगातार एक्टिव रहना चाहिए, वो उस समय चलते रहना चाहिए जब हम लोग क्वाइट हैं, जब हम लोग स्टिल हैं, और वो चलते रहना चाहिए कि हम लोग को उस समय ये सोचते रहना होगा कि हम लोग जो आज तक एक्टिविटी करते आए हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अर्थ को अब तक भोगने पड़े हैं, और अर्थ क्या हम अर्थ पे रहने वाले हम सभी जो ह्यूमंस हैं, हम सबको खुद भोगने पड़े हैं, और आगे चल के क्या हम सब के इस कंटिन्यूअस ये जारी रखे हुए इन एक्टिविटीज़ का आगे चल के क्या परिणाम होगा, आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस पे हमें ये सोचने का टाइम मिलेगा इस पीरियड ऑफ स्टिलनेस में, और हम सभी एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी ये कह रहे हैं कि अगर हम सभी ह्यूमन बींग्स इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम लोग केवल अपना ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एकदम क्या कह सकते हैं, अपने ही जीवन को एकदम आगे बढ़ाने के लिए वे पे ही एकदम फोकस्ड नहीं होते, तो आज अर्थ अर्थ का जो हमें इतना सिचुएशन दिख रहा है, ऐसा डिस्ट्रक्टिव, ऐसा मतलब आपने देखा होगा काफ़ी इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो क्या प्लस ह्यूमंस में भी जो एक तरह का सैडनेस फैला हुआ है, वो सब नहीं होता। ये सब का एक ही वजह है, हम लोग के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते आ रहे हैं केवल अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। हम ना अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोच रहे हैं और अर्थ के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो यहाँ पे अगर हम बिना सिंगल माइंडेड हुए कि हम लोग भाई अपना ही जीवन चलाना है, कुछ समय के लिए अगर कुछ भी ना करें और कुछ भी ना करें, यानी एकदम साइलेंट हो जाए, एकदम क्वाइट हो जाए, तो ये जो साइलेंस है ये खुद हम लोग के अंदर जो एक सैडनेस है, हम ह्यूमंस के लाइफ में जो एक सैडनेस जो छाया हुआ है, उसको ये एक साइलेंस जो है ये उस सैडनेस को मिटाने में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, कि ये जो हम लोग के अंदर जो सैडनेस फैला हुआ था कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, कि ये जो सैडनेस था हम लोग के अंदर कि हम लोग खुद ही को नहीं समझ पा रहे थे, वो ह्यूमन बींग्स जो कि इतना कुछ समझता है वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा था कि वो खुद को ही मतलब मौत के मुंह में ढकेल रहा है, कि वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो बेसिकली एक सुसाइडल है,
एक सुसाइड है ह्यूमन बींग्स के होल जनरेशन के लिए, वो बेसिकली एक खुद सुसाइड कर रहा है, क्योंकि भाई जब अर्थ ही नहीं बचेगा, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अर्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव है ही, तो वो तो जब अर्थ ही नहीं बचेंगे तो ह्यूमन बींग्स क्या बचेंगे, और जो हम लोग इतने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको लेके हम सभी के अंदर एक गिल्ट सा आ जाता है जिसको हम लोग खुद रियलाइज नहीं करते हैं, जिसके चलते और उस गिल्ट के चलते हम लोग और सैड हो जाते हैं। तो अगर हम लोग कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाए तो हम लोग को हम लोग को सोचने का मौका मिलेगा, और हम लोग सोच के समझ के एनालाइज करके अपने इस सैडनेस को दूर कर सकेंगे और अर्थ का भी भला कर सकेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लैटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है हमें इस मामले में ये सीख दे सकता है कि जब सब कुछ लगता है कि अब डेड हो चुका है, तभी वो तभी सब कुछ जो है एक बिल्कुल खिल उठता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि आपने देखा होगा कि जब भी विंटर सीजन आता है, जब भी ऑटम का सीजन रहता है, तो आपने देखा होगा कि ट्री जो भी पेड़ हैं उसके पत्ते सभी सूख सूख के नीचे गिर जाते हैं, पॉन्ड्स जो हैं जो भी तालाब हैं वो सभी जम जाते हैं, एकदम हर तरफ एकदम शांति शांति लगता है, सब कुछ जो एनिमल्स जो कि हाइब्रिड सीजन भी आ जाता है उनका, तो वो भी अंदर चले जाते हैं अपने 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 घरों में, तो हर तरफ एक तरह का सैडनेस फैल जाता है, एक तरह का क्वाइटनेस फैल जाता है, एक तरह का स्टिलनेस फैल जाता है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी डेड हो चुका है, सब कुछ सूख चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कि तभी जब भी बसंत का मौसम आता है, जैसे ही स्प्रिंग का सीजन चालू होता है, तो अर्थ तुरंत 360 टर्न लेता है और वापस अलाइव हो जाता है। सभी पॉन्ड्स के जो जमे हुए पॉन्ड्स हैं वो सब के बर्फ पिघल जाते हैं, सभी एनिमल्स अपने हाइब्रिड सीजन में जो अपने घरों में चले गए थे वो सभी बाहर आ जाते हैं, और जितने भी पेड़ हैं जिनके पत्ते सूख सूख के गिर गए थे उनमें नए पत्ते फूल पौधे सब आ जाते हैं। तो वैसे ही हम सभी को ये थोड़ा सा समय बिल्कुल क्वाइट हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्टिल हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी एनर्जी को अपनी अपने स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन कर सके और खुद को और मेंटली प्रिपेयर कर सके कि हम लोग को अपना तो अच्छा करना ही है, उसके साथ साथ हम लोग को अपने फ्यूचर जनरेशंस का और अर्थ का के बारे में भी सोचना है, इस थिंकिंग के साथ और एक न्यू स्ट्रेंथ के साथ हम लोग बाहर निकले और वापस से अपने काम में जुट जाए। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम सभी को भी थोड़ा देर के लिए क्वाइट रहना, स्टिल रहना जरूरी है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा जी एंड में ये बोलते हैं कि मैं अभी 12 तक काउंट करता हूँ और आप सभी क्वाइट हो जाइए और अब मैं जा रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी विद ब्रदर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।